दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित हुआ। हालांकि ये समारोह सुबह 11 बजे सुनिश्चित था, लेकिन कोहरे के कारण राज्यपाल रामनाइक देरी से पहुंचे, जिसके कारण समारोह लगभग 2:30 बजे आरंभ हुआ। समारोह के शुरुआत में एनसीसी कैडेटों ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद राज्यपाल कार्यक्रम स्थल पहुंचे। तत्पश्चात विधत परयात्रा शुरू हुई। विधत परयात्रा के बाद अतिथियों का स्वागत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह द्वारा किया गया, जिसके बाद कुलपति ने विश्वविद्यालय के पिछले साल की उपलब्धियां बताने के साथ साथ आने वाले सत्र के लिए नई शुरुआत से अवगत कराया, जिसके बाद अतिथियों द्वारा स्मारिका का विमोचन भी किया गया। स्मारिका के विमोचन के पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया, जिसके पश्चात पदक विजेता छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय के स्वर्ण पदक, स्मृति पदक व डिग्री से नवाजा गया। इस मौके पर दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रख्यात भौतिक विज्ञानी जयंत विष्णु नालिंकर को विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि भी प्रदान की गई, जिसके पश्चात मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्य अतिथि के संबोधन के पश्चात राज्यपाल रामनाइक ने छात्र छात्राओं को परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने के नुस्खे बताते हुए जीवन में कभी हार न मानने की बात कही। राज्यपाल के संबोधन के बाद सभी एक स्वर में राष्ट्रगीत गाकर समारोह का समापन किया। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व मेयर अंजू चौधरी, डॉक्टर सत्या पांडे, मंडलायुक्त अनिल कुमार, जिलाधिकारी राजीव रौतेला सहित कई अन्य मौजूद रहे। जयंत विष्णु नालिंकर जी एक लेजेंडरी व्यक्तित्व है आपका, खगोल विद्या, खगोल शास्त्र एवं thank you.
अभिनंदन अपनी ओर से पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से करती हूँ। मंच पर आसन ग्रहण करते हुए मैं मंचासीन अतिथि हूँ एवं सभागार में उपस्थित सभी सदस्य जनों से अनुरोध करती हूँ कि अपने स्थान पर खड़े रहे। राष्ट्रगान तो राष्ट्रगान कुलपति महोदय शिक्षकगण स्नातकों और छात्रों तथा अन्य मान्यवर देवियों और सज्जनों विश्वविद्यालय के वार्षिक कैलेंडर में दीक्षांत समारोह का एक पवित्र दिन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखा तो आज के इस मंगल दिवस के अवसर पर मैं नए स्नातकों को बधाई देता हूँ। साथ ही मैं यह आशा व्यक्त करता हूँ कि आप सब इस विद्यानगरी से मिली दीक्षा का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि इस अवसर पर अपने गुरुजनों को न भूलें जिन्होंने आपको सुदीक्षित किया। जैसा कि कबीर दास ने कहा था, गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए, परिहारी गुरु आपने गोविंद देई बता। विद्या की महत्ता स्पष्ट है पर साथ ही विद्या दान करने वाले गुरु की महत्ता हम भूल नहीं सकते। मुझे यह कहते गर्व है कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। इसके अलावा मेरा स्कूली जीवन भी उसी विश्वविद्यालय के मधुर मनोहर अतीव सुंदर प्रांगण में बीता। उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग में आने पर मुझे वे 19 वर्ष उन सुनहले दिनों की याद दिलाते हैं। जैसा मैंने अभी जिक्र किया, मेरे विद्यार्थी जीवन का पूर्वार्ध बनारस में बीता। वैसे ही मेरे विद्यार्थी जीवन का एक अगला भाग एक महान विश्वविद्यालय में बिताने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरी इस दूसरी विद्या माता का नाम है केम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ये जो टाई मैं पहन रहा हूँ इसका विमोचन विश्वविद्यालय ने अपने 8वीं दिन जन्म शताब्दी के अवसर पर किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 800 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने कितने विविध अनुभवों का सामना किया होगा। लेकिन एक चुटकुला इन 800 वर्षों के अनुभवों का सार बताता है। केम्ब्रिज के कोई 25-30 कॉलेजों की अपनी अपनी इमारतें बगीचे इत्यादि हैं। उन्हें देखने के लिए बाहर के टूरिस्ट बड़ी संख्या में आया करते हैं।
एक अमेरिकन टूरिस्ट ने किसी कॉलेज के निरीक्षक जिसे पोर्टर कहते हैं उससे पूछा, महाशय आपके उद्यान में घास की हरियाली लॉन जिसको कहते हैं इतनी बढ़िया कैसे? तो पोर्टर ने चुने शब्दों में बताया कि वहाँ लॉन कैसे बनाया जाता। टूरिस्ट ने कुछ असंतोष के साथ कहा, ये बातें तो मेरे लॉन के लिए मैं भी करता हूँ पर परिणाम इतना बढ़िया नहीं होता। तो पोर्टर ने मुस्कुरा कर कहा, जनाब मैं बताना भूल गया कि आप अपने लॉन की निगाह 200 साल करेंगे तो वे भी ऐसे ही अच्छे बनेंगे। लॉन के हरियाली की तरह विद्या संस्थान के अन्य पहलुओं पर भी लगाया जा सकता है। कैम्ब्रिज के माहौल की खासियत यही कि वहाँ शिक्षक छात्र अनुसंधान की सुविधाएं आदि सबकी उत्कृष्टता पर बल दिया जाता है। एक किस्सा परीक्षार्थियों की उत्कृष्टता का इस खासियत का द्योतक है। परीक्षा तंत्र को अनुसंधान कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है यह लॉर्ड केल्विन जो 19वीं शताब्दी के प्रख्यात भौतिकीविद थे उनके प्रकरण से मालूम होता है। खगोल शास्त्र एवं खगोल भौतिकी अंतर विश्वविद्यालय के संस्थापक निदेशक पद्म विभूषण जयंत विष्णु नागरिकर जी तथा आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर मंगला नागरिकर जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह जी यहाँ पर पधारे हुए, अन्य विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतिगण, इस विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण, कर्मचारी अधिकारीगण, छात्रगण, पत्रकार मित्र यहाँ पर पधारे हुए, इस समय के महापौर, पूर्व महापौर देवी और सज्जन, मैं लंबी बात इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे कोई भी हालत में यहाँ 3:50 को मेरा भाषण पूरा करने के लिए जाना है तब मैं जा सकूंगा। वैसे मैं देरी से आया हूँ और उसके कारण आप सबको काफी कठिनाइयां हुआ, लेकिन तब मौसम बिगड़ जाता है तो क्या होता है इसका आज मैंने भी अनुभव लिया और उसकी परेशानी आपको भी हुई, लेकिन कहते हैं कि देरी से आए दुरुस्त आए। तो मैं थोड़े में कुछ बातें कहना चाहूंगा और खास करके विद्यार्थियों के, आपके जीवन का ये सबसे पहला महत्वपूर्ण पड़ाव आज पूरा होता है और किताबी पढ़ाई समाप्त होती है और उसके साथ ही साथ जीवन की पढ़ाई, जीवन की लड़ाई शुरू हो जाती है। जीवन की लड़ाई में जब आप खुले अवकाश में जाएंगे, पहले स्पर्धा स्थानिक होती थी, अपने गांव की स्पर्धा है, अपने जनपद की स्पर्धा है, अपने प्रदेश की स्पर्धा है, अपने देश की स्पर्धा है, लेकिन अभी स्पर्धा सारे विश्व के साथ होती रहती और इस भूमिका में हमें आपको विश्व स्पर्धा के लिए आगे जाना है, हिम्मत के साथ जाना है, ऐसा संकल्प आप सबने करना चाहिए और ऐसा संकल्प करके जब आप काम करेंगे तब इस समय पर क्या चित्र दिखता है, अपने पूर्व काल में किस प्रकार के विश्वविद्यालय थे उसका बहुत सुंदर वर्णन हमारे मुख्य अतिथि ने किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लंबे इतिहास का उन्होंने चित्र हमारे सामने रखा है और ये भी आशा व्यक्त की है कि हम इनसे कुछ सीखे
और आगे बढ़े। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का बोधपूर्ण मार्गदर्शन सारे विद्यार्थियों को किया है, और ये मार्गदर्शन केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, यहाँ जो शिक्षकगण है उनके लिए भी है, और उनके लिए ही सीमित नहीं है तो जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से कुलपति यहाँ आए हैं उनको भी उसका लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस भूमिका में मैं नार्लिकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका अभिनंदन भी करता हूँ। अब जो यहाँ आज के दीक्षांत में कितने लोगों की उपाधि दी है और अपना चित्र क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके सामने थोड़ा आंकड़ों के हिसाब से रखना चाहिए। अब यहाँ तो जिनको मेडल मिला ऐसे ही विद्यार्थी आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिनको उपाधि प्राप्त हुई है उनकी संख्या है 1,90,757, और उसमें ये आंकड़े आगे के बहुत महत्व के हैं, उसमें लड़के हैं 46,383 और लड़कियां है 73,000। इसका मैं परसेंटेज में बताऊं तो परसेंटेज लड़कों का है 39% और लड़कियों का है 61%। 29 विश्वविद्यालयों का मैं कुलाधिपति हूं, लेकिन सबसे ज्यादा लड़कियों का परसेंटेज इस विश्वविद्यालय में है, और इसलिए यहाँ के लोगों को भी मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ, क्योंकि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब उन दिनों में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाया और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये शुरू किया। उसका परिणाम ये हो गया है कि अभी यहाँ पर जिनको उपाधियां दी गई है उनका परसेंटेज है 61, और इसलिए एक नई महिलाओं का सशक्तिकरण का चित्र जो मेरे दृष्टि से बहुत सुखद है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये तो उपाधि जिनको मिली उनके बारे में, लेकिन जो यहाँ पर आए एक के बाद कोई एक कदम पदक लेके गया, कोई दो पदक लेके गया, उनका जो आंकड़ा है कुल मिलाकर यहाँ 45 छात्रों को पदक दिए गए, और उसमें अब थोड़ा मैं कैसे कहूँ ऐसा मुझे लगता है, लेकिन इनके बॉयज लड़के हैं 45 में 8 और लड़कियां हैं 37 54 में 5 की, यानी 63 साल के पहले। उस समय पर मेरे क्लास में केवल 150 छात्र थे, उसमें केवल 4 लड़कियां थी। अब कैसा आगे देश बढ़ रहा है यह चित्र हमें दिखाई देता है, और इसलिए कभी कभी हम आत्मनिंदा बहुत करते हैं, ये आत्मनिंदा न करते हुए जहां पर हम है उसका विचार करके और कैसे हम आगे जा सकते हैं इसका विचार करना चाहिए। ये मैंने जो मेरे समय पर केवल 4 लड़कियों का उदाहरण दिया, उस समय पर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा कोई शिक्षिका बनती थी या नर्स बनती थी, और आज हम देखते हैं कि सर्विसेज में सब जगह महिलाएं हैं, IAS में है, IPS में है, सेना में गई है, सेना में हवाई जहाज चलाने बाद अभी पायलट भी बन गई है, और इस समय पर देश सेना के सामने इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है कि महिला पायलट बन गई, सेना में आ गई, तो जो लड़ाकू विमान उनको चलाने के लिए परमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इस पर चर्चा हो रही है, और ऐसी चर्चा जब हो रही है तो देखने के लिए ये मिल रहा है कि देश की रक्षा मंत्री भी एक महिला बन गई है, और इसीलिए
इसका उल्लेख मैंने जानबूझकर किया कि इसमें से हम सब स्फूर्ति ले और आगे बढ़ते जाए। एक बात और वो भी मैं संक्षेप में कह सकता हूँ कि 29 विश्वविद्यालयों का मेरे एडीसी काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे देखता हूँ भाई। देखिए 3:50 को मेरा भाषण पूरा करूंगा। मैं आग्रह से आपको कहूंगा कि बाकी धन्यवाद वगैरह न करते हुए आप एकदम वंदे मातरम के लिए, जनगणमन के लिए खड़े हो जाइए, तब मैं यहाँ से निकल पाऊंगा और तब मैं हेलीकॉप्टर से लखनऊ जाऊंगा, नहीं तो आपके घर खाना खाने के लिए मुझे आना पड़ेगा। और बाद में बता रहा था कि 29 विश्वविद्यालयों का मैं कुलाधिपति हूँ, उसमें से 25 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह होने हैं। आज का ये जो दीक्षांत समारोह है 21वां है, 21st, केवल अभी 4 विश्वविद्यालयों का बाकी है, ये दिसंबर के अंत तक होंगे, तब उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा की गाड़ी पटरी पर आई है, ऐसा हम कह सकते हैं। नहीं तो कभी कभी इस विश्वविद्यालय को 60 साल हो गए, बराबर है ना, और दीक्षांत समारोह है 36वां, मतलब कितने साल बीच में दीक्षांत नहीं हुए। इसके लिए मैंने ये बात की, अभी स्थिति यह है कि सभी विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह समय पर पूरा हो रहा है, और ऐसे समय पर जब आप अभी नए जीवन का प्रारंभ करेंगे तो मुझे छात्रों के लिए केवल एक ही बात आग्रह से कहनी है कि जीवन में, जैसे मैंने कहा, कड़ी स्पर्धा है, और कड़ी स्पर्धा में काम करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत करते समय प्रामाणिकता और पारदर्शिता, इसके साथ ही आप आगे बढ़ सकेंगे। कोई भी शॉर्टकट का विचार मत करिए, शॉर्टकट का विचार मत करिए। कभी असफलता आती भी है तो क्यों असफलता आई, इसका आत्म परीक्षण करिए, फिर से प्रयास करिए। कभी हिम्मत मत हारिए, हिम्मत न हारते हुए आप दोबारा प्रयास करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। ऐसे सफल जीवन के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। और मेरी किताब निकली, उसमें जो किताब का शीर्षक है उसकी बात बताकर मैं मेरा निवेदन पूरा करूंगा। मेरी किताब का नाम है चरैवेति चरैवेति, उसका अर्थ है चलते रहो चलते रहो। आयतरे ब्राह्मण करके एक लगभग 4,000 साल पुराना ग्रंथ है, उसमें से जीवन का यह संदेश, वो आयतरे ब्राह्मण का जीवन का संदेश ये कहता है कि जो बैठा है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो सोया है उसका भाग्य भी सो जाता है, जो खड़ा हो गया उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, लेकिन जो चलता है उसका भाग्य ही चलता रहता है। और इसलिए आप सब चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और दूसरा श्लोक ये कहता है कि जैसे मधुमक्खियां एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाती है और मध शहद इकट्ठा करती है, या जैसे पक्षी एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाते हैं और मीठे मीठे फल खाते हैं, या जैसा सूर्य सुबह से उठकर शाम तक चलता रहता है और सारे दुनिया को प्रकाश देता है, जीवन देता है, और इसलिए वह सूर्य जगत बंद हुआ है, तो आपको भी सूर्य के जैसे जगत बंद होना है, और होना है तो सूर्य के जैसे चलते रहो आप जीवन में चलते रहो, और निश्चित तौर पर आप मंगलमय जीवन प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन हिम्मत से काम करते रहो, यही मेरे दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एक मिनट बचा है, मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ।